बड़े माण की गल साडे वास्ते कि इहो जिहियां फिल्मां साडे सिनेमे च बन रहियां ने। हाँ जी, वो बाबे नानक दे गुरपुरब दे उपर जिहड़ी अनाउंसमेंट सरकार वल्लों होई आ, फिल्म दे विच बड़ा ठेठपुणा इक नज़र आ रिहा है पंजाब। बहुत वड्डी फिल्म एक सिनेमे की रुकी हुई है इस टाइम, जिहड़ी बहुत छेती डेट की वेट कर रहे हैं। सारे प्रोडक्शन को बहुत वधिया मैटर पिया, बस हुणे आ वी लॉकडाउन ना लगे तो रिलीज़ हो जाए बस फिल्म। इस जमीन नाल मैं व्याह के आई हूँ ना, जो जो एक किला भी इधर उधर होया ना, मैं अपना जवाक लैके नहर च छाल मार देनी। सो इस टाइम ने मेरे नाल पंजाबी इंडस्ट्री दे फेमस कलाकार जरनैल सिंह जी गलबात कर लेने उन्हां दे नाल। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, वेलकम प्रो पंजाब टीवी। सब तो पहला सर, तो मैं ये जानना चाहवांगी कि तीजा पंजाब इदा की फिल्म पंजाबी सिनेमा के विच बनाउणी लैके आउणी किवें महसूस कर रहे? बड़े माण की गल साडे वास्ते कि इहो जिहियां फिल्मां साडे सिनेमे च बन रही ने, और जिस शख्स ने फिल्म बनाई है पंजाबी सिनेमे च बहुत वड्डा योगदान आ उस शख्स का। वैसे तो लोग कहिंदे कि अंग्रेज़ तो या अंबरबाई लव पंजाब लाहौरीए तो, बट मैनू पता कि उत्थों किन्ना चिर पहलां है ना, 8-10 साल पहलां जदों वो डायलॉग लिखते होंगे सी फिल्मों के विच, या फिल्मों नू सपोर्ट करते सी, या कोई उन्हों दा आइडिया लेंदा सी फिल्मों का है ना। सो बहुत पुराना योगदान है उन्हों दा, तो उन्हों दी फिल्मां मतलब दसन दी लोड़ नहीं है कि की ने फिल्मां, वो पंजाबियों नू पता कि की फिल्मां ने। सो उदां दा इंटरटेनमेंट इस फिल्म दे विच वेखण नू मिलना है। किसानी संघर्ष नूं लैके फिल्म जिहड़ी बनाई गई आ, वो चीज़ एक संघर्ष इन्ने लंबे टाइम तो चल रहा है, सब नूं यही सी कि जल्दी तो जल्दी कानून रद्द हो जाए, उधरों वो भी खुशखबरी आ गई है तो इधरों फिल्म रिलीज़ हो जा रही है। हाँ जी, वो बाबे नानक के गुरपुरब के उपर जिहड़ी अनाउंसमेंट सरकार वल्लों हुई है, वो बड़ी बहुत खुशी की गल सी। सो जिदन एक दिन पहले ही ट्रेलर रिलीज़ होया, तो मैं अंबर भाई नूं फोन करके कहा भी कल अपना ट्रेलर रिलीज़ होया तो अज अनाउंसमेंट आ गई आ। सो ये पॉजिटिविटी है, साइन जिहड़ा है पॉजिटिविटी का आ कि परमात्मा साडे नाल आ, असीं चंगी सोच नाल चंगी नीत नाल फिल्म बनाई है ये। सो ऑडियंस बहुत बेसब्री नाल वेट कर रही सी फिल्म की। इदां दे फिल्मां दा हिस्सा हुंदा है बंदा, तो बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां सामने आउंदियां ने, बहुत सारी चीज़ां आपां लोकां दे कोलों भी देखते हैं, तो की थॉट हुंदा माइंड दे विच, क्योंकि बिल्कुल अलग कंसैप्ट आ। बाकी नॉर्मल फिल्मां बनदियां कॉमेडी तो होण इमोशनल, पर एक रीयल इंसीडेंट कह दिए जां रीयल ईवेंट्स जिहड़े बेस हो जांदियां ने। देखो अज तक अंबर भाई ने जिन्नियां भी फिल्म बनाइया ने ना, डिफरेंट ही बनाइया ने, कभी रिपीटेशन दे विच नहीं पाए, रिपीट नहीं की। जे उन्होंने उन्होंने स्क्रिप्ट सीगी गोरियां नूं दफा करो, तो एक अलग जोन की स्क्रिप्ट सी, उस तो बाद गोरियां नूं दफा करो तो 70-80 साल पुरानी स्क्रिप्ट लैके आए अंग्रेज़, वो बिल्कुल डिफरेंट सी। उस तो बाद लव पंजाब लैके आए, वो बिल्कुल डिफरेंट जोन सीगा। फिर लाहौरिया लैके आए जिहड़ी कि सोची भी नहीं सी किसी ने, एक वो कहानी सी है ना। उस तो बाद अशके की तो मैं लगता भजो वीरो, ये सारिया डिफरेंट, क्योंकि वो एक यहोजे किरदार ने अंबर भाई हुणी जिहड़े जिहड़े आम लोगों के विचों कहानी कढ़ के लियाउंदे ने, आम लोगों की कहानी पर्दे ते उतार दिंदे ने। ये फिल्म दे विच बड़ा ठेठपुणा एक नज़र आ रहा है पंजाबी। हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब वो है कि जो जो सिचुएशन चलन रही पंजाब दे विच, उहदे विचों कोई चीज़ कढ़ के उहदे ते टॉपिक लिखना करना। जिदा बहुत वड्डी फिल्म एक सिनेमे की रुकी हुई है इस टाइम, जिहड़ी बहुत छेती डेट की वेट कर रहे हैं, वो भी अंबर भाई की लिखी हुई है, रिदम बॉयज़ इंटरटेनमेंट की फिल्म है, दलजीत बाई ने उस करैक्टर किया, बहुत जोड़ी फिल्म की गल कर, जोड़ी फिल्म। सो मैं लगता कि वो मतलब बहुत वड्डी फिल्म आ, वो कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, लफ्जा च नहीं मैं कह सकता किड्डी वड्डी फिल्म आ वो, बट मैं पता मैं सैट ते रहा वा, जो परफॉर्मेंस उत्ते हुई है, जिदा स्टोरी लिखी गई है, जिदा शूट हुई है फिल्म, वो अपने आप दे विच एक बिल्कुल डिफरेंट लैवल का सिनेमा। सो अंबर भाई दियां फिल्मां मतलब मैं वेखना पसंद करदा, सारे वेखना पसंद करदे, क्योंकि कुछ वक्खरा हुंदा। की लग रहा तीजा पंजाब तो बाद जोड़ी वो फिल्म होएगी जिहड़ी सिनेमाघरां नूं हिला देगी? नहीं, देखो देखो मैं तो ये नहीं मैं कहूँगा, बहुत वड्डे वड्डे मेकरस ने पंजाब दे विच, कल्ले असीं नहीं हाँ मतलब कह सकते, मतलब जे अमरदीप प्रोडक्शन ने, रिदम बॉयज़ ने, हम्बल मोशन हैगा आ, नदर फिल्म्स ने, एमी वर्क फिल्म्स ने, विलेजर स्टूडियो आ, स्पीड रैकर्ड्स, किन्ने किन्ने वड्डे मेकरस ने है ना। सो हर मेकर यही कोशिश करता कि मैं कुछ डिफरेंट लैके आवा, कुछ वधिया लैके आवा है ना। सो ये है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करती है कि नहीं, हर बंदा अपने वालों तो वधिया लैके आता, ऑडियंस एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ऑडियंस की एक्सेप्शन कितने कहती है। सो मैं लगता कि चंगी फिल्मों जिहड़ियां ने जिन्हां स्क्रिप्टां उपर कम होया, जिन्हां स्क्रिप्टां लॉकडाउन सीगा, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसिस ने स्क्रिप्टां ते कम किया। अदरवाइज की होंगे, स्क्रिप्ट आई, टॉपिक आया, अच्छा ये किन्ने हो गए, 2-4 सीन लिखे गए, स्क्रीन प्ले डन, बाकी सैट पर कर लेंगे, वो फिल्मां नहीं चलनियाँ।
जिन्हां फिल्मां जिन्हां स्क्रिप्टां नूं तुसीं बच्चियां वांगू पालदे हो ना वह स्क्रिप्टां जिहड़ियां ने वह तुहानूं हसाउंदियां भी नहीं तुहानूं रवाउंदियां भी नहीं तुहानूं इमोशन भी करदियां ने है ना। सो ये मतलब सारे प्रोडक्शन हाउस कोल बहुत वधिया मैटर पिया बस हुणे भी लॉकडाउन ना लगे तो रिलीज़ हो जाण बस फिल्म है ना। सो एक लास्ट की मैसेज कहना चाहोगे ऑडियंस नूं की कहना चाहोगे? मैसेज यह आ मेरा जी, पंजाबी नूं प्यार करो, पंजाबी बोलो, पंजाबी होण ते माण करो, पंजाबी बोलण च फख्र महसूस करो क्योंकि साडी माँ बोली आ। तो ये जिहड़ा सिनेमा आ ये पंजाबी सिनेमा कला तीजा पंजाब नहीं, जिन्नियां भी फिल्मां रिलीज़ हो रही ने पंजाबी माँ बोली की सेवा कर रहा क्योंकि अज साडे कोल बच्चियां नूं पंजाबी सिखाउण वास्ते साडी सरकार साथ नहीं दे रही। सो ये फिल्मां ने जिहड़ियां साडे बच्चियां नूं पंजाबी नाल जुड़ के रखणगियां। सो बस यही है भी फिल्मां सिनेमे घरां च वेखो, आके पायरेटड ना वेखो है ना, चीटड फिल्मां ना वेखो सीडियां या क्रैक कीतियां होईयां, क्योंकि ये जिहड़े प्रोडक्शन हाउस ने अमरदीप सिंह प्रोडक्शन हाउस और ओम जी प्रोडक्शन हाउस इदां कई प्रोडक्शन हाउस ने जिहड़े पता नहीं कित्थों कित्थों पैसा लिया के तुहानूं सिनेमे दे विच इक पंजाबी माँ बोली की सेवा करते हैं, मैं तो यही कहूँगा। पर जो उन्हों का पैसा नहीं ना मुड़ता फिर वो टुट जाते हैं। वो टुटते क्यों ने? क्योंकि साढ़े वर्गे कुछ ना शुकरे बंदे यो जे वेट करते रहेंगे भी यूट्यूब आ रहे वेख लाँगे है ना। मतलब जे ये इन्ना एफर्ट कर रहे तो सानू एफर्ट करना चाहिए कि अपने बच्चों कम से कम सिनेमे तक लैके आईए। सो फिल्म जो सिनेमे वेखो, पायरेट ना वेखो। थैंक यू सो मच। ओके जी, सत श्री अकाल।